17 दिनों की लगातार मशक्कत के बाद अब मजदूर सुरंग से बाहर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। 17 दिन किसी बंद जगह में रहना बिना किसी बेसिक सुविधा के आसान तो क्या, काफी चैलेंजिंग रहा होगा। लेकिन मजदूरों ने अपने मनोबल से इतनी बड़ी चुनौती को हरा दिया और 17 दिन एक बंद टनल में गुजारे, इस आस में कि वो जल्द ही बाहर आएंगे। कई बार उन्हें ऐसा भी लगा कि वो दोबारा दुनिया को देख भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि मिशन के दौरान कितनी चुनौतियां सामने आई, कितनी बार मिशन फेल हुआ, ड्रिलिंग रोक दी गई। उसके बावजूद मजदूरों ने अपना हौसला बुलंद रखा, उम्मीद की किरण जगाए रखी। उसका ही नतीजा है कि आज वो सही सलामत सूरज की रोशनी में है। फिलहाल सभी मजदूर चिन्याली सौड़ के अस्पताल में एडमिट हैं। मजदूरों के परिजन उनके बाहर आने की खबर से ही खुश हैं, लेकिन अब वो पल भी दूर नहीं जब वो जल्द ही अपनों के पास पहुंचेंगे। सुरंग से बाहर आए 41 मजदूरों में से एक मजदूर की मां को अपने बेटे सोनू के घर लौटने का इंतजार है। उन्होंने बताया कि कब उनका बेटा घर आने वाला है। अब सोनू की मां है, आपका बेटा 17 दिन बाद तीनों से निकल गया है, क्या कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी लग रहा है। खुशी लग रहा है, क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे जो कि मेरे बेटे को मेरे गोद में डाल दिया। जिन कर्मियों ने निकाला, जिन कारगरों ने निकाला, उनको लाख लाख शुक्रिया करती हूँ और तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि वो मेरे बच्चे समान है, वो मेरे बच्चे को निकाल दिया। बेटे से बात हुई आपकी? हाँ, हमारे बाबू से बात हुई। कितने घंटे पहले बात हुई थी? एक घंटा पहले बात हुई। क्या कह रहे थे वो आप? वो बोल रहे थे कि मम्मी मैं बहुत सुरक्षा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगा। कब तक आने की बात की उन्होंने? 2 दिन के बाद बोला कि मैं आ जाऊँगा। गाँव आ रहे 2 दिन बाद? हाँ। दरअसल सुरंग में फंसे मजदूर देश के अलग अलग कोने से हैं। उन्हीं में से एक मजदूर का नाम है सोनू, जो कि बिहार के छपरा जिले का रहने वाला है। सोनू की मां ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने सरकार और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे कर्मियों को तहे दिल से शुक्रिया कहा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनका बेटा 2 दिन बाद गाँव वापस लौट आएगा। कल रात सुरंग से निकाले जाने के बाद तमाम मजदूरों को चिन्याली सौड़ में बनाए गए अस्पताल ले जाया गया था ताकि वहां उनका चेकअप और इलाज किया जा सके। यहां पर मजदूर 48 घंटों तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। इसी के बाद उन्हें उनके घर वालों से मिलने के लिए भेजा जाएगा। अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि अस्पताल में मजदूरों का इलाज और उनके घर जाने की पूरी व्यवस्था पूरी कर ली जाए। अस्पताल में इलाज का खर्चा भी उत्तराखंड सरकार उठाएगी, साथ ही साथ उनके रहने खाने की व्यवस्था का खर्च भी सरकार के जिम्मे ही होगा और उन्हें घर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।